भारत और चीन के बीच सातवें दौर की सैन्य वार्ता पूरी हो गई है, जिसमें भारत ने जोर देकर कहा कि चीन को एलएसी पर विवाद की सभी जगहों से अपने सैनिकों को जल्द से जल्द पूरी तरह वापस बुलाना चाहिए। लद्दाख के पूर्वी इलाके में तनाव को खत्म करने के लिए भारत और चीन के सैन्य अफसरों के बीच ये बातचीत हुई। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कोर कमांडर स्तर की ये बातचीत सोमवार दोपहर को एलएसी पर भारतीय इलाके चुशूल में हुई और देर रात तक जारी रही। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को चलते 6 महीने हो चुके हैं और विवाद का जल्द समाधान होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भारत और चीन ने बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में लगभग 1,00,000 सैनिक तैनात किए हुए हैं, जो लंबे तनाव में भी डटे रहने की तैयारी है। बातचीत के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि बातचीत का एजेंडा विवाद के सभी बिंदुओं से सैनिकों की वापसी के लिए एक मसौदा तैयार करना था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव ने किया। माना जा रहा है कि बातचीत में चीनी विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी भी चीनी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहा। सूत्रों के मुताबिक भारत ने जोर देकर कहा कि चीन तनाव वाले इलाकों से अपने सैनिकों को जल्द वापस बुलाए और पूर्वी लद्दाख के सभी इलाकों में अप्रैल से पहले की स्थिति बहाल हो। सातवें दौर की इस सैन्य वार्ता के शुरू होने से पहले सूत्रों ने कहा था कि भारतीय सैनिकों ने 29 और 30 अगस्त की रात को पेंगोंग नदी के दक्षिणी किनारे कई रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था। यहां से भारतीय सैनिकों की वापसी की चीन की मांग का भारत मजबूती से विरोध करेगा, जहां भारतीय सेना की स्थिति काफी मजबूत हो चुकी है। चीनी सेना के जवाब में भारतीय सेना ने सीमा पर टैंक और भारी अस्त्र शस्त्र उतार दिए हैं। सेना के लिए जरूरी ईंधन, खाना और सर्दियों में काम आने वाली चीजों का भी पूरा इंतजाम किया गया है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।